नमस्कार सभी किसान भाइयों को, राम राम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म। जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। और आज बुधवार का दिन और आज हम आए हैं आष्टा की पशु मंडी, जो कि हर बुधवार के दिन लगती है। आष्टा जो है वो सीहोर जिले में आता है मध्य प्रदेश, और इसका एड्रेस है भोपाल नाका आष्टा। तो जिस भी किसान भाई को अच्छे अच्छे पशु खरीदना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है और यहाँ पर आके पशु परचेसिंग कर सकता है। देख सकते हैं आप पूरा मंडी का जो व्यू, आज मंडी में इतना दम नहीं है। हो सकता है अगले बाजार से और अच्छी लगे कुछ पशुओं के वीडियो आप सभी किसान भाइयों को बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं आज। कुछ दो एक भैंसे दिखाई दे रही, इनकी जानकारी लेंगे अपन। किसकी भैया ये भैंस तुम्हारी है? लो आ जाओ यार, कि जानकारी दीजो यार, कई है। अरे तुम आओ इधर। ये कई कितना की है भैंस? 62। पैसे बहुत मांग रहे हो यार भैसा। कम मांगी दिया क्यों? अभी दूध के भाव कम हो गए, उस हिसाब से तो 62,000 ज्यादा नहीं है। आप बता दो, जिस किसान को लेनी होगी तो संपर्क करेगा वो आपसे। 45 के आसपास नहीं हो? 50 और 55 के बीच में। 50-55 के बीच में हो जाएगी ना। दूध की क्या गारंटी इसकी? साढ़े चार और पाँच के बीच में। पाड़ो पड़ी गई है? हाँ खुली बता जो पाड़ी है। पाड़ो और ये बेटी इसकी। तो ये देख सकते हैं आप एक भैंस जो कि 4.5-4 लीटर के आसपास दूध बता रहे हैं। और ये इसका बच्चा कितने दिन की जनी है? 21 दिन की। दूध 4.5-4 लीटर 20 दिन की जनी भी बता रहे हैं। और कीमत फाइनल 52। हाँ 52-55 के बीच में जाना है ना। तो जिस भी किसान भाई खरीदना तो इस टाइप की भैंसे हमारा आष्टा के जो पशु बाजार है उसके अंदर 50 से 52 हजार रुपए मिल जाएगी। 4.5-4 किलो दूध है, 20 दिन की जनी, नीचे पाड़ा है। और ये जो बेटी इसकी क्या डिटेल है? 45,000। और देने की हो जाएगी 40 के आसपास? 35-40 के आसपास। 40-41 के हो जाएगी। दूध इसके 3-3 लीटर दूध बता रहे हैं भैया। और कितने दिन की जनी हुई है? 15-20 दिन। 15-20 दिन की जनी हुई है, नीचे 3-3 लीटर दूध है और 45,000 रुपए बता रहे हैं। 40 के आसपास फाइनल ये हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इसको खड़ी करो तो जरा। धुबली है थोड़ी यार भैंस। तो इस टाइप की जो भैंसे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये भैंस शायद बिक चुकी है। और आगे कुछ अच्छे पशु की जानकारी लेते हैं और बताते हैं आपको। तो क्यों भाई साहब, आज क्या दो ही भैंसे लाए? क्या है गाड़ी ज्यादा नहीं आई आज? क्या बात है भाई साहब? बोनी में ले गया था, उतारा अगला बुधवार गाड़ी उतरेगा। अच्छा बुधवार के दिन आएगी? हाँ। तो देख सकते हैं सभी किसान भाई, बुधवार के दिन लगभग 8 से 10 पशु भैया लाते हैं। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो बिल्कुल नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आइए आइए। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो इस टाइप के पशु यहाँ पर अवेलेबल। देख सकते हैं आप एक और भैंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी लेते हैं। ये शकील भाई की दावणी में बंधी हुई है। तो अच्छी भारी भरकम भैंस देख सकते हैं आप। कितना दूध की है शकील ये? एक टाइम का साथ लड़खड़ा क्यों रही है? नहीं है यार, थोड़ा सा लंगड़ापन है। कितनी कीमत उसकी? 1 लाख रुपए। अच्छा दूध साथ साथ 14 लीटर। देख सकते हैं 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, 7-7 लीटर दूध बता रहे हैं। हो जाएगी 80 के आसपास? 75-80 के आसपास हो जाएगी ना। तो ये देख सकते हैं पीठ गुट्ठा काफी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा लग रही है कि लंगड़ा रही है कुछ कारणवश। और ये जो एक भैंस दिख रही है
ये कितने दूध की है? इसमें भैया 5 किलो गाड़ी, 5-5 लीटर। हाँ। इसकी कितनी कीमत? 70,000। 70,000 रुपए कीमत है 5-5 लीटर दूध बता रहे हैं। और ये गाय अगे? गाय भैया 8 किलो एक टाइम का, इसमें बड़े सिंह वाली में इसमें। अच्छा, और कीमत? कीमत भैया 65,000। 65,000 हो जाएगी 50 के आसपास। हाँ भैया, अभी तो देख सकते हैं 50,000 रुपए की कीमत के आसपास हो जाएगी 8-8 लीटर। तो आज एक हमारे सब्सक्राइबर बाहर से आए थे विदिशा से, तो आज वो एक गाय लेकर गए हैं। और आज की जो हिट है वो सबसे बड़ी वो ये है कि एक गाय उन्होंने खरीदी है जो जिसकी कीमत थी 30,000 रुपये और उन्होंने खरीदी 42,000 रुपये में। तो ऐसा होता है जो बाज़ार रहता है इसके अंदर। तो अगर वो भाई अगर वीडियो देख रहे हों तो इसमें कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि 30,000 की गाय उन्होंने 42,000 रुपये में ख़रीदी है और दलालों के बीच में पड़ के लगभग 6-7 हज़ार रुपये दलाल ने भी खाए हैं बीच में उसमें। तो इस तरह के काम होते हैं यहाँ पर मंडी के अंदर। हमेशा मैं एक बात समझाता हूँ कि अनुभवी व्यक्तियों को लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आती है तो ऐसा ही 12-12 हज़ार रुपये की टोपी पहन के